मसला ये है कि हम बिछड़ गए और समस्या ये है कि अब जिया नहीं जाता। नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज शेरावत आपका नीजू क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम पढ़ेंगे 20 मार्च का करंट अफेयर, और 20 मार्च को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस। 20 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस मनाया जाता है, ठीक है। 20 मार्च का करंट अफेयर आज हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन है पहला, एशिया कप 2022 में, जो एशिया कप है 2022 का, उसका आयोजन किया जाएगा T20 फॉर्मेट में, इस बार आयोजन किया जाएगा, तो ये कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो ये श्रीलंका में आयोजित किया जाएगा। एशिया कप जो क्रिकेट टूर्नामेंट होता है T20 में, इसमें एशिया के ही देश जो है वो भाग लेते हैं। भारत और पाकिस्तान का मैच भी एक बार फिर आपको देखने को मिलेगा, तो ये श्रीलंका में जो है इस बार आयोजित किया जाएगा। दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा है? जो इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस है आज, तो उसके हिसाब से जो रैंकिंग है कि दुनिया का सबसे खुशहाल देश है वो फिनलैंड है, ठीक है। और सबसे कम जो दुनिया का खुशहाल देश है वो है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में पीछे काफी चीजें घटित हुई, आपको पता है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो सबसे खुशहाल देश जो है वो फिनलैंड है, और सबसे कम खुशहाल देश जो है वो है अफगानिस्तान। किस IIT परिसर में मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाएगा? जो IIT है हमारे देश में, उसमें एक ऐसी IIT है जिसके कैंपस में मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र, जो दिमाग के ऊपर काम करेगा, वो केंद्र स्थापित किया जाएगा। तो ये IIT मद्रास में स्थापित किया जाएगा, ठीक है। तो मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र जो है वो IIT मद्रास में स्थापित किया जाएगा। सीनियर नेशनल वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2021-22 का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है? तो जो सीनियर नेशनल वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप है 2021-22, इसका आयोजन जो है वो भुवनेश्वर में शुरू हुआ है। ये मेल और फीमेल दोनों की है, सीनियर नेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप है, और इसका आयोजन जो है अभी भुवनेश्वर में शुरू हुआ है। फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस के नए CEO की को नियुक्त किया गया है। यहाँ पे थोड़ा मिस प्रिंट हो गया। फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस के नए CEO किन्हें नियुक्त किया गया है, ये क्वेश्चन है ये। तो प्रशांत जावेरी जो है उनको फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस का नया CEO नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस के नए CEO बने हैं प्रशांत जावेरी। कौन सी राज्य सरकार राज्य OBC आयोग का गठन करेगी? एक हमारे भारत में एक ऐसी राज्य सरकार है जिसने घोषणा की कि वो राज्य OBC आयोग गठित करेगी, तो ऐसा करने वाले असम सरकार है। असम सरकार जो है वो है जो राज्य OBC आयोग का गठन अभी करेगी। भारतीय तटरक्षक पोत सक्षम कहाँ कमांड किया गया है? जो भारतीय तटरक्षक पोत है सक्षम नाम से, इसको कहाँ कमांड किया गया? तो भी गोवा में जो है, क्योंकि तटरक्षक जो एरिया है तो वहां पे ये काफी कारगर साबित होगा। तो गोवा में भारतीय तटरक्षक पोत सक्षम को अभी हाल ही में कमांड किया गया है। SBI कहाँ इनोवेशन इंक्यूबेशन व एक्सेलरेशन सेंटर स्थापित करेगा? जो SBI बैंक है वो कहाँ पर इनोवेशन इंक्यूबेशन और एक्सेलरेशन सेंटर का स्थापना करने जा रहा है? तो हैदराबाद में ये स्थापित किया जाएगा SBI के द्वारा, इनोवेशन इंक्यूबेशन व एक्सेलरेशन सेंटर। अंतरिक्ष में उपग्रह को नष्ट करने वाला लेजर हथियार किसने विकसित किया है? अंतरिक्ष में जो उपग्रह हैं उनको वहीं की वहीं नष्ट करने वाला एक लेजर हथियार जो है वो विकसित किया है चीन सरकार ने, यानी कि चीन देश ने जो है वो क्या उपग्रह को नष्ट करने वाला लेजर हथियार लॉन्च किया है, जो अंतरिक्ष में ही, वहीं पर अंतरिक्ष में ऊपर जो उपग्रह भेजे गए उनको वहीं की वहीं लेजर हथियार से नष्ट कर देगा। तो ऐसा करने वाला देश चीन बना है। किस देश के खगोल वैज्ञानिक यूजीन पार्कर का निधन हुआ है? खगोल वैज्ञानिक थे यूजीन पार्कर, उनका निधन हुआ, ये अमेरिका से संबंधित थे। तो खगोल वैज्ञानिक थे यूजीन पार्कर, इनका भी हाल ही में निधन हुआ, ये अमेरिका से बिलोंग करते थे। किसने प्रसिद्ध फिनटेक व्यवसाय इंजिलियंट टेक्नोलॉजीज को खरीदने की घोषणा की है? एक
फिनटेक व्यवसाय जो इंजीलियंट टेक्नोलॉजीज को खरीदने की घोषणा की है वो रेज रैप ने की है। रेज रैप ने फिनटेक व्यवसाय इंजीलियंट टेक्नोलॉजीज को खरीदने की हाल ही में घोषणा की है। किसने अपने प्रमुख परीक्षणों के लिए अपना मेगा मून रॉकेट लॉन्च किया है? प्रमुख परीक्षणों के लिए अपना मेगा मून रॉकेट लॉन्च किया नासा ने, और नासा जो है वो 1958 में बना था और वाशिंगटन डीसी में इसका क्या है करंट टाइम पे हेडक्वार्टर। तो अपने प्रमुख परीक्षणों के लिए अपना मेगा मून रॉकेट लॉन्च किया है नासा ने, 1958 में ये स्थापित किया गया था। कुछ दो चीज़ें मैं आपको क्रिकेट से रिलेटेड बता देता हूँ कि जो क्रिकेट में अभी महिला वर्ल्ड कप क्रिकेट जो चल रहा है न्यूजीलैंड में, तो भारत की तरफ से मिताली राज ने उसमें 50 लगाई कल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलते हुए, तो सबसे ज़्यादा अर्ध शतक लगाने वाली महिला की जो रिकॉर्ड की बराबरी की वो मिताली राज ने की है, और झुलन गोस्वामी 200 मैच खेलने वाली भारतीय खिलाड़ी बनी है जो मिताली राज के बाद ऐसा दूसरी खिलाड़ी है जो 200 मैच क्रिकेट के उन्होंने अपने अंतर्राष्ट्रीय कैरियर में खेले। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ऐसे ही पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, अपनी सफलता के प्रति निरंतर प्रयासरत रहें। जय हिंद, जय भारत।